आप 10 लाख का अमाउंट अकेले यहाँ से लेके जा सकते हैं। आपको किसी के डिसीजन की या किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और आपकी जैसी पर्सनालिटी है, आई डोंट थिंक आपको कभी वो जरूरत पड़ी और ना ही कभी पड़ेगी। तो आप अपने लिए 10 लाख का अमाउंट लेकर यहाँ से शो क्विट करके जा सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा बॉम फोड़ा है जो आई डोंट थिंक स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में कभी भी हुआ है। कशिश के पास पूरा का पूरा राइट है कि वो ये डिसीजन खुद ले ले, तो फिर तुम ना चैलेंज परफॉर्म कर पाओगे, अरे ना फिनाले में जा पाओगे, और ना पैर से तो तुम भूल ही जाओ। और कशिश विल वॉक आउट विद 10 लाख रुपीज। मेरे ऊपर मिस्चिफ मेकर का बॉम्ब पड़ता है तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि भाई ये किस टाइप का चॉइस है। I like the offer, पर मेरा कंसर्न ये है कि अगर मैंने तीसरा ऑप्शन लिया, व्हाट इफ दूसरे कपल ने भी सेम ऑप्शन लिया? अब मुझे लगता है तुम इतनी स्मार्ट तो हो कि बाकी कपल्स को पटा लोगी कि ये ऑफर ना ले अगर जरूरत पड़ी कल। Oh God, okay. पर क्या लगता है कशिश एक्सेप्ट करेगी ऑफर? बहुत टफ स्पॉट है और मैं उतना मतलब जानता हूँ कशिश को, बट उतना भी नहीं जानता कि वो ये ऑफर लेगी या नहीं लेगी कि जज कर पाऊँ कि वो यार क्या। 10 लाख रुपए, हाँ मतलब 10 लाख के लिए लोग घूम सकते हैं। क्या चल रहा है दिमाग में? मेरा माइंडसेट काफी क्लियर है। क्या? जब मैं शो से पहले भी आया था तो मैं ये सोच के तो आया नहीं था कि भाई मुझे पैसे चाहिए, या तो मुझे प्यार चाहिए था और फिर मुझे ट्रॉफी चाहिए थी। लेकिन प्यार तुम्हें मिल चुका है, दिग्विजय, उन्नति तो मिल गई है ना? बट प्यार फिर ट्रॉफी, वो जो विनर वाली फीलिंग होती है ना, वो आई फील पैसों से मैच नहीं हो सकती। हाँ 10 लाख डेफिनेटली बहुत बड़ी अमाउंट है एंड उससे बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मैं उन्नति के साथ बाहर घूम फिर सकता हूँ, यू नो, वो भी है मेरे माइंड में। बट इनफैक्ट समझदारी वाला काम नहीं करोगे तो टाइटल तो जाएगा ही जाएगा, पैसा भी जाएगा और उन्नति के साथ हॉलीडे भी जाएगा। हॉलीडे सोच लो, डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें ये शो जीतना है या तुम ये शो जीना, और जीने में मजा। मुझे आपका डायलॉग अच्छा लगा।